हेयर इन दिस केस इट सेज 28th पार्ट, इट सेज स्टेट गॉस थ्योरम एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो गॉस थ्योरम को कैसे आप स्टेट करते हो? दैट वुड बी द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना फ्लक्स पास कर रहे इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू, एंड इट मस्ट बी अ विच टाइप ऑफ सर्फेस, क्लोज सर्फेस मस्ट बी देयर। सो फाई वुड बी इक्वल टू 1/ε0 नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट क्लोज सर्फेस एरिया। जो हमने सरफेस लिया है उसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है, दैट वुड बी इक्वल टू इट 1/ε0 इनटू क्यू होते हैं। जैसे हम इसको लिखते कैसे, फाई वुड बी इक्विवेलेंट टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हमें इसी का यूज करते हुए हमें क्या दिखाना है कि हमें वी नीड टू डिराइव अ एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज द। हमारे पास क्या है, एक लाइन चार्ज होगा एंड उसके अक्रॉस हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इट। और कैसा वायर है, इट इज इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो लेट से कि हमारे पास वायर हो गया ये वाला, एंड लेट से दैट इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज ओवर द एंटायर सर्फेस, पॉजिटिव चार्ज है उसके पास। एंड देन दे लेट से कि हमें हर सर्फेस पे इसके क्या निकालना है, वी नीड टू फाइंड द फाई, वी नीड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये टोटल इन टोटल क्रिएट कर पा रहा है। तो सबसे पहले तो हम फाई निकालेंगे, उससे हमें ई की वैल्यू मिल जाएगी बहुत सिंपल तरीके से। सो नाउ हेयर इन दिस केस आई वुड बी फाइंडिंग एट थ्री डिफरेंट पॉइंट्स। थ्री डिफरेंट पॉइंट्स हमारे लिए कौन से होंगे, इट कैन बी वन ऑन ओवर दिस साइड। पहले इसको हम सिलेंडर बना लेते हैं पूरी तरीके से। तो यहाँ पे हम थ्री पॉइंट्स ले लेते हैं और उस थ्री पॉइंट्स पे हम अपना क्या कैलकुलेट करेंगे, फाई कैलकुलेट करेंगे। लेट से ऑन दिस पॉइंट पी, लेट से ऑन दिस पॉइंट क्यू, लेट से ऑन दिस पॉइंट आर। तो अगर हम बात करें पी की, तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को मूव करेगा। सिमिलरली फॉर द आर वन, इट वुड बी गोइंग अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली फॉर क्यू, इट वुड बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पे डीएस निकालेंगे, डीएस क्या है हमारा, सरफेस। अब सरफेस कहाँ होगा, लेफ्ट साइड का, पी का, इट वुड बी टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड ओनली डीएस। तो ई और डीएस के बीच में कितने का एंगल बन गया, 90 डिग्री का। हेयर इन दिस केस आपके पास डीएस इज देयर अराउंड द कॉर्नर, तो फिर से यहाँ पे हमारा एंगल क्या बन जाएगा, इट वुड बी ऑब्वियसली 0 डिग्री। यहाँ पे लास्ट पार्ट में इट वुड गो टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे भी एंगल हमारा 90 डिग्री का बन गया। अब यहाँ पे हमें टोटल फाई निकालना है, फाई वुड बी इक्विवेलेंट टू इंटीग्रल ओवर द सरफेस ई डॉट डी एस। अब सबसे पहले पी का निकालेंगे, इट इज ई डॉट डी एस, फिर आप क्यू का निकालो, आर का निकालो, एंड गोज ऑन। ई डॉट डी एस इज देयर, एंड देन इन द लास्ट यू वुड हैव इज ई डॉट डी एस ऑफ आर। ठीक है, अब यहाँ पे पी सरफेस का ई डॉट डी एस को एक्सपैंड करोगे तो दिस वुड गिव यू ई डॉट डी एस, एंड देन कॉस कितना बन रहा है हमारा, 90 डिग्री। सेम गोज फॉर द सेकेंड वन, क्यू पे भी 90 है, तो ये भी हमारा ई डॉट डी एस हो गया, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ई वुड बी देयर, डॉट डी एस वुड बी देयर, एंड देन आई वुड हैव कॉस 90 एज वेल फॉर क्यू। अब आर के लिए आप मेंशन करोगे ई डॉट डी एस वुड बी देयर, और कॉस कितना हो जाएगा, इट वुड बी 0 डिग्री, क्योंकि ई और डी एस की डायरेक्शन इज सेम है। सरफेस भी एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक ही डायरेक्शन में जा रही है इन द आर पार्ट। तो हमारा पहली बात क्लियर हो जाती है, कॉस 90 वाली वैल्यूज ही कट जाएंगी क्योंकि वो तो 0 ही होते हैं। कॉस 90 पुट करते ही 0 आ जाएगा आंसर। बचा कौन सा हमारा, ओनली द आर पार्ट। आर पार्ट पे क्या हो जाएगा, ई वुड बी द, और अलोंग द सरफेस अगर आप इंटीग्रल लोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2πr, और कॉस 0 तो हमारा है ही 1। सो फाई इन दिस केस इज इक्वल टू ई डॉट 2πr। अब यहाँ पे हमें पता है कि चार्ज इनक्लोज निकालना है हमें, चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, इट इज नथिंग बट इक्वल टू लैम्डा एल, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है कि हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी को क्या लेना है, लैम्डा लेना है, क्योंकि वैल्यू आ गई हमारे पास लैम्डा एल। और हेयर इन दिस केस फाई निकालोगे तो फाई क्या आएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, विच इज नथिंग बट लैम्डा एल ओवर एप्सिलॉन नॉट।
नाउ वी नीड टू कंपेयर दीज टू वैल्यूज. एक वैल्यू हमारी फाई की ये आई है, दूसरी वैल्यू हमारी फाई की ये आई है. सो आई कैन मेक इट इक्वल. कैसे हो जाएगा? ई डॉट 2 पाई आर एल, और राइट साइड पे क्या आ जाएगा? लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट. एल से एल कैंसिल हो गया. ई की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? लैम्डा ओवर 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट वुड बी द.